अल्लाह की कसम, मेरे नबी की शादियां शौक की शादियां नहीं थी। एक हदीस सुना तो, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। सुन लो लोगो, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, जिब्रील लेकर आए, फिर मैंने शादी की। तो ये शौक की शादियां नहीं हैं, जिंदगी सिखाने की शादियां हैं। चूँकि सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है। इस वक्त तलाकें क्यों बढ़ रही हैं? एक तो ये हमारी ये जो फास्ट फूड है, इसने हमारे अंदर जो एक नेचुरल सिस्टम था उसे डिस्टर्ब कर दिया है। तो गुस्सा बढ़ गया है, बर्दाश्त घट गई है, छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। पहले यूरोप में सुनते थे, अब यहाँ पाकिस्तान, आज शादी होती है चौथे दिन तलाक हो रही होती। मैं वहाँ बयान के लिए निकल रहा था मैनचेस्टर, तो मेरे साथ जो गाड़ी चला रहा था, मैंने पूछा आप क्या करते हो? लाहौर का था। कहा जी मैं वकील हूँ। मैंने कहा यहाँ कोई झूठे केस होते हैं जैसे पाकिस्तान में? कहा जी नहीं, यहाँ झूठा केस कोई नहीं होता, जो भी होता है जेन्युइन होता है। मैंने कहा यहाँ मुसलमानों के लड़ाई झगड़े आते हैं? कहा जी हाँ जी आते हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा क्या झगड़े आते हैं? कहा जी सबसे ज़्यादा तलाक के आते हैं। तलाक 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 कि नहीं सीखा। जिंदगी बर्दाश्त का नाम है, बर्दाश्त करना सीखा नहीं। मेरे नबी ने 11 शादियां की, हर किस्म की औरत के साथ शादी की, खानदान के अंदर, बिरादरी के अंदर, और खानदान बिरादरी से बाहर। यही तीन नस्बतें हैं। अपने खानदान में कुरैश, आपकी कई बेगमात कुरैश, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे हबीबा, ये सब कुरैश हैं। कुरैश से बाहर हज़रत मैमूना, हज़रत जुवेरिया, ये कुरैश से बाहर है बरादरी। फिर बरादरी से भी बाहर शादी की यहूद, हज़रत सफ़िया, यहूदी की बेटी हैं, उनके साथ शादी की। हर नस्ल से शादी की, ऊपर वाले का निज़ाम है। अपने से मालदार हज़रत खदीजा, अपने बराबर उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपने से कम फ़ख्र में जुवेरिया, सफ़िया, अपने से गुरबत के साथ, नहीं उम्र से बड़ी के साथ शादी की हज़रत खदीजा, हम उम्र के साथ शादी की हज़रत सौदा, उम्र से कम से शादी की हज़रत आयशा, बेवा से शादी की हज़रत खदीजा, मुतल्लका से शादी की हज़रत ज़ैनब, कमारी से शादी की हज़रत आयशा। जितनी भी नस्बतें किसी औरत की बन सकती हैं, उन सब में अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करके ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। तेज़ मिजाज के साथ शादी की हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मिजाज में तेज़ी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, मिजाज में शिद्दत थी, ज़िंदगी गुजार के दिखाया। एक आपको हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह की कसम सिर्फ हमें सिखाने के लिए। जिस हस्ती ने अल्लाह को आँखों से देख लिया हो, उसके लिए औरत क्या चीज़ है, दुनिया क्या चीज़ है। मेरे नबी का मेराज के बाद दुनिया में वापस आना सबसे बड़ा मुजाहदा और कुर्बानी है। जन्नत में अल्लाह हमें नसीब कर, जब अल्लाह का दीदार होगा तो उसके बाद अल्लाह की कसम जन्नत वालों को जन्नत भूल जाए, औरतों को खामिद भूल जाएंगे, खामिदों को बीवियाँ भूल जाएंगी, और जन्नत की हर नेमत भूल जाएगी, सिर्फ अल्लाह को देखने में गुम हो जाएंगे। मेरे नबी अपनी आँखों से अल्लाह को देख कर आए हैं। ठीक हो, अब एक हदीस सुनो। आयशा, आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया है। अल्लाह अकबर। या आयश इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। मेरे रब की कसम, हमें आपको समझाने के लिए, हमें आपको बताने, आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मरना अच्छा लगने लगा है, मुझे तो मरना अच्छा लगने लगा है कि तू जन्नत में मेरी बीवी है। सुभान अल्लाह। इधर
अच्छा जी जन्नत च भी यही लभनी है, हैं जी, ये जन्नत जाके भी ये नाल ही रहना है, यहाँ ये बातें सुनने को मिलती। और मेरा नबी कह रहा है आयशा मुझे पता चला कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, अल्लाह की कसम ये दिलदारी थी। सबसे मुश्किल रिश्ता खामिंद और बीवी है। सैकड़ों आयात इसके लिए अल्लाह ने उतारी, माँ बाप के लिए चंद आयात, औलाद के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, खामिंद और बीवी के लिए कुरान पर पढ़ा है, पूरी पूरी सूरत उतारी है और सैकड़ों आयात उतारी। चूंकि एक इस रिश्ते की अहमियत, एक इसकी नज़ाकत और कमजोरी कि कोई रिश्ता टूटता नहीं सिवाय खामिद और बीवी के। मैं माँ का बेटा हूँ, बाप का बेटा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ उन्हीं का हूँ। मेरा नसब मेरी नाफरमानी से बदल नहीं सकता। मैं अल्लाह बख्श का बेटा हूँ, मेरा ये नसब बदल नहीं सकता, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे। खामिद और बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता है, एक बोल पर टूट जाता है, इसलिए इसको बचाने के लिए आयात आयात आयात। और मेरे नबी की शादियाँ कि किस तरह एक घर को लेके चलते हैं, किस तरह हर मिजाज की औरत के साथ सलूक करते हैं।